Every man and woman of this village have come out to see the strange child who claims to know everything about his prenatal existence. Second question is, either the manager or his assistant always try to misguide the people regarding the vacancy in the factory. And the third problem is faculty member as well as most of the students were of the view that there should be many more new courses in this village. Sentences mein kahan par error hai, try to do it yourself. Okay, every man and woman of this village have come out to see the strange child who claims to know everything about his prenatal existence. गांव का हर पुरुष और महिला आया है देखने के लिए ऐसे अजीब से बच्चे को जो ये कहता है, जो ये क्लेम करता है कि वो सब कुछ जानता है अपने पूर्व जन्म के बारे में. ऐसे बच्चे को, ऐसे अजीब से बच्चे को, विचित्र बच्चे को देखने के लिए गांव का हर कोई पुरुष और महिला आई हुई है. ओके, सेंटेंस में, सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट देखते हैं. सबसे पहले कोई भी एरर आपको पहले करना है तो सेंटेंस का आप फाइंड आउट कर लीजिए कि कहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट है. सब्जेक्ट पार्ट के तुरंत बाद में ही वर्ब आती है, ठीक है. फिर सब्जेक्ट पार्ट जब आपको मिल जाए तो फिर ये आप क्लियर करिए कि ये सब्जेक्ट पार्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट जो है हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आप यूज करें, ठीक है. अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट जो है प्लूरल है तो वर्ब आप प्लूरल यूज करें, ठीक है. इस सेंटेंसेस में, इन सेंटेंस में क्या हुआ है कि एवरी मैन एंड एवरी वुमेन ऑफ दिस विलेज, इस गांव की, ऑफ द विलेज, इस गांव की जो प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला है आई हुई है, राइट. तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि मैन एंड वुमेन जब दो नाउन्स एंड से जुड़ते हैं तो वो प्लूरल माने जाते हैं, ठीक है. एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज, गांव का प्रत्येक नर नारी, प्रत्येक महिला और पुरुष, तो प्लूरल माना जाता है. लेकिन अगर इसके पहले एवरी लग जाता है, ईच लग जाता है, तो फिर वो जो है सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर माना जाता है. तो सिंगुलर माना जाता है तो इसके साथ में वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आती है. हैव की जगह पर हैज यहाँ पर है. ओके, एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हैव की जगह पर हैज यूज करें. कम आउट टू सी द स्ट्रेंज चाइल्ड हु क्लेम्स, यहाँ पर देखिए हु क्लेम्स, यहाँ पर हु क्लेम्स लगा है, जो किसके लिए लगा है. ये क्लेम कौन करता है, ये चाइल्ड क्लेम करता है, स्ट्रेंज चाइल्ड के लिए लगा है. तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, द स्ट्रेंज चाइल्ड के लिए लगा है, जो कि एक वचन है, ठीक है, जो कि क्लेम करता है टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज प्री नेटल एग्जिस्टेंस. ये क्लेम करता है कि वो सब कुछ जानता है अपने पूर्व जन्म के बारे में. ओके, तो सेंटेंस में जो एरर है यहीं पर है, बी वाले सेक्शन में. हैव की जगह पर हैज का यूज करें. क्यों करें, क्योंकि दो नाउन्स हमारे एंड से तो जुड़ रहे हैं लेकिन उनके पहले एवरी का यूज किया गया है. नेक्स्ट देखते हैं, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट, या तो मैनेजर या फिर उसका असिस्टेंट, ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड द पब्लिक, हमेशा मिसगाइड करने की कोशिश करता है किसको, पब्लिक को. ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड द पब्लिक, हमेशा पब्लिक को मिसगाइड करने की कोशिश करता है. रिगार्डिंग द वैकेंसी, किसके रिगार्डिंग, वैकेंसी के रिगार्डिंग, इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग वो मिसगाइड करता है हमेशा से, ठीक है, या तो मैनेजर या फिर असिस्टेंट. ओके, कहाँ पर एरर है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें भी दो नाउन्स हमारे मैनेजर, द मैनेजर एंड द असिस्टेंट, एंड हिज असिस्टेंट, मैनेजर और उसका असिस्टेंट, ठीक है, दो नाउन्स हैं, दो नाउन्स हैं यहाँ पर. द मैनेजर एक नाउन है और द
दूसरा नाउन कौन सा है? इज असिस्टेंट, दो नाउन है और ये जुड़े हुए किससे? आइदर और से। किससे जुड़े हुए हैं? आइदर और से, ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर नॉर से। जब दो नाउन्स जुड़ते हैं तो जो हमारी वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नाउन आती है, ठीक है। ऑलवेज ट्राई की जगह पर अब यहाँ पर जो है ऑलवेज ट्राइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ट्राई की जगह पर ट्राइज हो जाएगा। देखिए ट्राई जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमको वर्ब में एस या यस यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि तो जो ट्राइज है, जो ट्राइज है वो सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब इसलिए लगाएंगे क्योंकि हिज असिस्टेंट जो सेकेंड वाला नाउन है इसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगाना है। हिज असिस्टेंट, एक ही असिस्टेंट की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आनी चाहिए। ट्राई जो है वो प्लूरल वर्ब है। ओके, तो आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट ऑलवेज ट्राइज टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्डिंग द वैकेंसी इन द फैक्ट्री। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इज फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड ऑप्ट यू दैट देयर शुड बी मेनी मोर न्यू कोर्सेस इन दिस कॉलेज। जितने फैकल्टी मेंबर हैं, प्रत्येक फैकल्टी मेंबर और साथ साथ में मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स हैं, उनका ये व्यू थे कि उनका ये व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू था कि और भी कोर्सेज होने चाहिए कॉलेज में, ठीक है। शुड बी मैनी मोर न्यू कोर्सेज इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में और भी नए कोर्सेज होना चाहिए। इस फैकल्टी मेंबर एज वेल हैज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट है, ठीक है, और इसी सब्जेक्ट के पार्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में जो दो नाउन्स हैं वो कौन से यूज हुए हैं? द स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर। फैकल्टी मेंबर, इस फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो फैकल्टी मेंबर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी या फिर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आएगी। देखिए इसमें भी दो नाउन्स जुड़े हुए हैं, किससे? ईच, ईच से, और यहाँ पर देखिए एज वेल एज का भी यूज किया गया है, एज वेल एज ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज, तो एज वेल एज का यूज जब भी होता है, एज वेल एज अलोंग विथ टूगेदर विथ, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ में जो पहले वाला जो नाउन आता है हमारा एज वेल एज अलोंग विथ टूगेदर विथ, ठीक है, तो जो फर्स्ट नाउन आता है हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। फैकल्टी मेंबर के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, फैकल्टी मेंबर, और उसके पहले देखिए ईच लगा है, ईच लगा है, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर ही आनी चाहिए, प्लूरल नहीं, यहाँ पर इसका वर्ब्स का यूज किया जाना चाहिए। ओके, ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर्ब्स ऑफ व्यू दैट देयर शुड बी मेनी मोर न्यू कोर्सेस इन दिस विलेज।